मैं अभी शामहो में हूँ और ये शामहो में यहाँ जो जितने सारे लोग हैं, यहाँ शामहो पंचायत की आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, जिसमें वार्ड सदस्य लेके प्रखंड प्रमुख तक हैं, जिला पार्षद तक। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये लोग आखिर बैठे क्यों हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इतने सारे लोग अगर विद्यालय पर आज आकर के बैठे हैं तो इसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अहम बात होगी। एक सीओ साहब की वो तानाशाही रवैया है, जिस तानाशाही के खिलाफ आज वो जनता, जिनकी सेवा के लिए उनको अंचल में एक कुर्सी मिली है जिसका नाम होता है सर्किल ऑफिसर, अंचलाधिकारी, और वो क्या कर रहे हैं इनके साथ, बाढ़ में समस्या जूझते हैं ये और मलाई काट जाते हैं अंचलाधिकारी प्रभात कुमार। मैं बात करूंगा, यहाँ पे बैठे हुए हैं वार्ड पार्षद, पहले मैं बात करता हूँ पूर्व जिला परिषद से। आप सर यहाँ क्यों बैठे हैं? वही रिलीफ के पैसा के लिए, 6000 वाला। हाँ, तो बाढ़ राहत वाला ना? बाढ़ राहत वाला। तो उसमें क्या परेशानी आई है? परेशानी है, तमाम जनप्रतिनिधि बैठ के सीओ के साथ तय हुआ था, प्रत्येक वार्ड सदस्य सूची देगा, उस सूची के अनुकूल पैसा मिलेगा। वार्ड सदस्य ने सूची लेकर 10-10 दिन ब्लॉक और सुजगारहा दौड़ते रहा, अंचला अधिकारी ने उस सूची को कोई देखा भी नहीं और अपने स्तर से पैसा डाला, जायज नजायज लोग को जो सबूत है, और जायज लोग रोड पर टहल रहे हैं, वार्ड सदस्य ढनक रहा है, उसको कोई दर्द सुनने के लिए खड़ा नहीं है। अच्छा, आप तो प्रमुख हैं ना जी, तो आप बताइए कि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, आप प्रखंड प्रमुख हैं और आप देखते रह गए। हमने तो सीओ साहब से प्रतिदिन बात किए, अनुसरमन का बैठक भी किए, जो अनुसरमन में कहे थे सीओ साहब कि हर परिवार को हम 6000 रुपया देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हमारे कहने का भी उल्लंघन हो रहा है, और शामों में कोई ऐसा घर ही नहीं बचा जहाँ की बाढ़ का पानी नहीं गया था, ये सीओ साहब का मनमानी है। सीओ साहब से आप बात नहीं किए थे इस मुद्दे पर? हर दिन हम बात करते हैं, डेली हम प्रखंड कार्यालय जाते हैं, लेकिन वो टाल मटोल के भेज देते हैं वहाँ से, कोई आगे का काम नहीं करते हैं सीओ साहब। तो फिर आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे का प्रक्रिया यही है कि हम लोग वार्ड सदस्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब मिलके एक विचार विमर्श करते हैं, आगे जाके जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर हम लोग बैठेंगे, उनसे हम अपनी मांग को रखेंगे। आप वार्ड सदस्य हैं ना जी? क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। आप यहाँ क्यों बैठे? रिलीफ के लिए। परेशानी क्या हो रही? परेशानी है, जखने मीटिंग होले कहलखिन की जे शादी शुदा छे ओकरा सबके देबे, तो हम सबको भर के दलिए, लड़की के भी कहलखिन जे 30 साल 35 साल के छे ओकरो भरा ले, तो सबको भर के दलिए, तकर बाद 2000 वाला के सबके शादी शुदा काट दलखिन। हाँ, तो इस पर आप बोले नहीं सीओ? हाँ, सीओ साहब के बोलिए, सीओ साहब के चम्मर में भी गलिए, कहलखिन जाइए यहाँ से, भागिए, यहाँ हमारा घर है, यहाँ नहीं सुनलखिन तो रूम तक गलिए, सुजगरा में उनका रूम रहे, कहलखिन जाइए निकलिए यहाँ से, रूम पे बात होगा, कल गेलिए थाना पर साहेब भी बैठल रहथिन, कहलखिन नहीं जाइए, नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, कहने से जो हो गया सो हो गया। आपको कुछ कहना है इस संबंध जी? सर, हाँ, बोलिए। हम 4 नंबर का वार्ड है अकबरपुर बारी का, हम जाते थे सीओ से बात करने के लिए, सीओ बात करने से भी ना चाह रहा था जी कि जाइए, हम आपको एंट्री कर दिए हैं, पैसा भेज देंगे, जाते हैं तो मिलबो नहीं करता, बात भी नहीं ढंग से करता है, अब बोलता कि चले जाइए यहाँ से। मतलब घर आते हैं तो जनता परेशान करती है, घर आते हैं तो जनता परेशान करते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं तो वो परेशान करते, बोलता कि इंट्री तो कर दिए, आप तो पैसा खाता में डाल देंगे, बोला था शादी सुधा एक बात रखल की जो ज्यादा परेशान करेगा ना तो एक केस कर देंगे, तो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, चुनाव लड़ते रह जाएगी। हाँ हाँ, धमकी सीओ साहब जी, आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ हाँ जी। आप वार्ड? हाँ हाँ जी, वार्ड सदस्य। अच्छा, क्या नाम हुआ? सुरेश रजक। उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा हाँ, केस करेंगे कि आपका नामांकन? हाँ, हमको बोला कुमार को सबको काटो, हम कहे नीतीश कुमार कुमारे हैं, सब कुमार नेता कुमारे हैं, तो कुमार को कैसे काट दिया जाएगा, ये कोई मतलब है बोलने का उनका? तब उसमें जिसका टाइटल, हाँ टाइटल है, तो नहीं काटो, जबरदस्ती कटवाए। आपको बोलते हैं काटो की काटिए? काट दीजिए। हाँ, समझे। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आप भी वार्ड हैं? चाहेंगे मैडम यही हम सर
कि सीओ साहब तो फोन पर बात करते हैं ना, तो बोलते हैं आइए वहाँ ब्लॉक पर, विशेष टाइम नहीं देंगे, घर में नहीं हम। हम बोले कि ठीक है सर, ब्लॉक पर। ब्लॉक पर जब गए तो बोले कि 70 साल हमारे वार्ड में है, उसको नहीं मिला है, और 2000 से ऊपर तो डालवे नहीं किए हैं किसी को, और 25% 30% नहीं है मिला है। वो सब खाता है घर पे जाके, सब तंग करता है, तो उनको जाते हैं वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद आखिर जिन लोगों को मिला है उसकी सूची बनाया कौन? सब सूची हम अपने बना के दिए। आप बनाए तो उस सूची में से किसी को मिला? हाँ मिला, 75% मिल गया मेरे वार्ड में, 25% नहीं मिला है। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हमारे तरफ से यही है आप लोग का विनती, जो जितना मिला है रिलीफ, और जिसको नहीं मिला है उसको मतलब रिलीफ दिया जाए, और विशेष कोई बात नहीं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वार्ड सदस्य, प्रमुख, जिला पार्षद, सारे लोग का जो कहना है उससे साफ प्रतीत होता है कि सीओ सामहो के द्वारा मनमानी की जा रही है। अब कुछ तमाम लोग यहाँ पे जनता जो हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मशवरा करते हैं कि आखिर मामला है क्या। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम पूछेंगे। आप बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं? हम तो वही रिलीफ चलते आए हैं। रिलीफ आप लोग को ब्लॉक में मिलेगा कि यहाँ विद्यालय में? नहीं, ब्लॉक में नहीं देता है, सीओ रिपेट देता है। सीओ भगा देता है? हाँ भगा देता है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, रिलीफ में नाम चढ़ा दिए हैं, देगा नहीं देगा सरकार का काम है, जना मेरा काम था कर दिए। अच्छा हमारा जो काम है वो कर दिए? हाँ। आपको मिले या नहीं मिले? वो बोलता है पटना से लोड होता है, विभाग से, हम लोड नहीं करते हैं। अच्छा हाँ। बोलिए कि क्या 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 समस्या है? जी 13 नंबर वार्ड है। हाँ। सर हमारा 6000 में बाटारते तक मुश्किल से 5% नहीं मिला है। आ जाते हैं सीओ साहब कहते हैं जाइए जाइए जाइए, हो गया एंट्री हो गया। हम जनता हैं 13 नंबर वार्ड का। ठीक बात है, आपको मिला? नहीं नहीं नहीं, हमारे वार्ड में 5% जायज लोग को मिला है, 70% नाजायज लोग को मिला है, जिसका कि अभी तक पैसा भी चला गया नाजायज वाले। और जायज वाले जो बचे हैं लमसम 85% बचले। सीओ से मिले थे? जी जी जी, सीओ साहब से मिलते हैं, फोन पर तो लगते हैं कि बहुत बड़ा अफसर हो गए हैं कि आइए ब्लॉक। जब ब्लॉक आते हैं तो बोलते हैं ठीक है छांट कर दीजिए न, करते हैं करते हैं। तो छांट के उसमें देने के बाद भी सीओ साहब की कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। हम सलाबिन टोली का 13 नंबर वार्ड है सर। अभी तक 14-13 में एक जनता का भी पैसा नहीं आया है। सीओ साहब के सूची देने जाते थे तो सीओ साहब बोलता था वहाँ ब्लॉक में चला जाइए, और ब्लॉक से फिर यहाँ जितना एंट्री करने वाला था कि बोलता था कि चला जाइए सीओ के डेरा पर, वहाँ जाते थे तो वहाँ रूम से सीओ साहब नहीं निकलता था, एकदम धक्का मार के जाइए जहाँ मन रहता है। विकास कुमार एक ठोक एंट्री करने वाला है, वो मेरा कहा, महिंदर वार्ड था, एक सोहन वार्ड था, ये 3-4 वार्ड का बीच में वो बोला कि जहाँ मन है तहाँ जाइए, एंट्री नहीं होगा, पूछ लिए महिंदर वार्ड यहाँ होगा तो 7 नंबर तो बोलेगा। हाँ सर, ये बात इनके साथ हुआ था वास्तव में, हम उसी जगह थे। आप उसी जगह थे? क्या हुआ था? एंट्री करवाने के लिए एक बोले कि हम यहाँ आपका एंट्री नहीं करेंगे, आगे जाइए, सीओ साहब को बोलिए एंट्री नहीं करेंगे। ये कौन बोला? डाटा एंट्री ऑपरेटर? हाँ हाँ, डाटा एंट्री किया डाटा। हाँ सर जी, मैं SSB2 का वार्ड सदस्य हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र महतो हुआ। हम लोग 10 बार भी सूची बनाकर सीओ साहब कर दे चुके हैं, उसके बाद सीओ साहब बोले जो सबको आधार कार्ड पहचान पत्र लाइए। गरीब जनता सब तो एक दो बार से जूझे हुए सर। उसके बाद हम कुल को घर से पासबुक आधार कार्ड निकाल कर लाए, कुल को छोपी करा करा कर एक एक व्यक्ति को सीओ साहब जमा दिए, फिर भी एक भी पीस हमारे वार्ड 2 नंबर वार्ड में एक भी पीस का पैसा नहीं आया है। अभी तक किसी को समस्या लेकर हम सब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अच्छा एक बात पूछते हैं आप सभी आदमी से, सारे जनप्रतिनिधि और आम जो जनता है, हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि सामहो के अंचलाधिकारी से आप लोग कितना प्रतिशत सहमत हैं? 1% नहीं है,
एक आवाज में बोलिए, एक प्रतिशत नहीं है सर। ब्लॉक में रहते नहीं छथिन, जनता आबै छै लौट के जेतै घर, रोज प्रतिदिन 10 बजे 11 बजे अबैथिन, 20 मिनट आधा घंटा बैठथिन चलि जेथिन अहाँ सुजरा, प्रतिदिन ड्यूटी निभाते हैं, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं। नंबर की छै पूरा अकबरपुर बरारी में 1000 रुपया पर दलाली वाला के काम हो जाए छै, रेमनल जे आदमी छै ओकर ब्लॉक में आधा आधी रुपया लेके सीओ काट दे छै नाम, एकरा संभव प्रखंड से अगर हट जाए भविष्य संभव बदलते नहीं, संभव भविष्य बिगड़ल चल जाए। एक दिन एंट्री संभव ब्लॉक में नहीं हुआ है, एक दिन बैठ कर डेराब होता है, सब दिन ब्लॉक में ब्लॉक अंदर एक घंटा आबै छथिन गाड़ी में बैठ के सुजगाम कहथिन डेरा पे घर मेरा गया है, ये धर्मशाला नहीं है, ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक में बैठ के काम नहीं करते। अगर 1000 हो रहा है, एगो राशन कार्ड भी मिले जो गल्ला मिल रहा है सुजग्रहा सरलका गल्ला उठ के चावल गेहूँ आबे छे आ डीलर दे छे जनता लग जाए छे। अगर 17 साल जकर उम्र छे ओकरा 1000 देते सीओ साहब पास करथिन, आ जकर 22-23 उम्र छे 24 साल उम्र छे ओकर काट के लाल कलम होके चल आबे छे, फोटो कॉपी के साथ दे छे। त एंट्री भी वार्ड सब ने कराए जमीन का समस्या है, कोई आदमी का रसीद काटना होता है, रसीद कटवाने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं दाखिल खारिज के लिए, उसके बाद ये सीओ साहब के कर्मचारी हैं भागीरथ पासवान जी, वो जाग बजाबते रूम पर बुलाते हैं, रूम पर बुलाने के बाद बोलते हैं 20,000 रुपया दो, 25,000 रुपया दो, गरीब आदमी जो है वो नहीं दे पाता है तो उसका कैंसिल हो जाता है, और जो दे देता है उसका काम ये कर देते हैं, मनमानी है इनका। सही है, अगर इस सर ब्लॉक में लोड होता, हम सोलह में थे ब्लॉक में लोड होता तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी परेशानी वार्ड का नहीं होता, ये खुद मनमानी किए हैं अपना डेरा पर, वो में 9 बजे के बाद सर लोड हुआ है, वार्ड के बिना जानकारी के बाद लोड हुआ है, इसी चलते ये प्रॉब्लम है सर। डेरा में आप इस भीड़ में दो बारी सूची मेरा हेरा दिया गया, जब सीओ साहब को हम दरखास्त खिलाफ में लिखे रिसीविंग लिए तब फोटो कॉपी कहे कहाँ है, कहे घर में है, तब लिए सूची मेरा। इस सीओ से हम लोग सर खुशे नहीं है, इस सीओ से हम तो बर्खास्त किया जाए बस, इस सीओ से सीओ अगर यहाँ से चले जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी बहुत खुशी महसूस करेंगे, अच्छा कोई आएंगे। अगर ये सीओ यहाँ से चले जाते हैं तो कैसा महसूस? बहुत खुश होंगे, बेहतर रहेगा सर, यहाँ से चले रहना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ये सीओ यहाँ रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए, ये सीओ यहाँ रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, रहना चाहिए ऐसा जी नहीं, सीओ नहीं रहना चाहिए, बेकार है। प्रखंड प्रमुख सुनिए सुनिए, एगो बढ़िया से लोग बता रहे हैं कि यह सीओ यहाँ रहेगा तो सामो का भविष्य खराब हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि कार्यालय में काम ही नहीं होता है, लोग कह रहे हैं कि 10,000-20,000 रसीद कटाने में लगता है, तो इतना सारा कंप्लेन है। आप लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ इस क्षेत्र के, आप दोनों आदमी एक प्रखंड प्रमुख हैं एक जिला पार्षद हैं, आखिर आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेवारी है, हम लोग जिम्मेवारी के तहत वर्क करते हैं, लेकिन यह नीतीश सरकार में पदाधिकारी का जितना ने मन बढ़ा दिया गया है जो कोई सुनने के लिए खड़ा नहीं है। मुद्दा यहाँ है जो आज एक महीना से प्रत्येक वार्ड सदस्य धक्का खा रहा है, जनता के रुपया के लिए वो आता है धक्का, वह क्षेत्र घर जाता है तो जनता उसको टॉर्चर करता है, यहाँ आता है पदाधिकारी टॉर्चर करता है, धक्का खा रहा है। यह मैटर हमने डीएम को कहा, सांसद को कहा, विधान पार्षद को कहा, अब किसको कहे, अब कोई नहीं सुना, यदि सुनता तो रुपया क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए, ये दुर्भाग्य। प्रमुख साहब एक सेकेंड आप खड़े हो जाइए, चुनाव तो सामने है, ठीक है, दिसंबर में चुनाव है ना, आपका नवंबर में, अब आप बताइए कि चुनाव के सामने होने पर जनता इतनी दुखी है, आपको फिर कैसे कुर्सी पकड़ाएगी? देखिए हमारे ई सी ओ साहब से पूर्व जो भी पदाधिकारी हमारे समूह आए थे
कोई से ऐसा शिकायत नहीं था। जब से ये 3 महीना से सीओ साहब हैं, ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं, चाहे प्रमुख रहे चाहे जो भी रहे, मुखिया जी को भी दमसा के भेजा देते हैं। सीओ साहब का बिल्कुल मनमानी है, सीओ साहब से हम लोग भी असंतुष्ट हैं। आप संतुष्ट नहीं है, लोग कह रहे हैं कि सीओ का रहना नहीं चाहिए ऐसे सीओ। बिल्कुल सही है, जब हम भी क्षेत्र में घूमते हैं हमसे शिकायत करता है तो हम जाते हैं सीओ साहब का बोलने के लिए, मात्र 1 घंटा ड्यूटी देते हैं अंचल अधिकारी और उठ के गाड़ी में बैठते हैं चल जाते हैं सूजगढ़। इनका ड्यूटी भी सही से नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है हमारे अंचल और प्रखंड में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ का वीडियो साहब से सभी जनता एकदम खुश है, इतना सुंदर है वीडियो साहब, आप सभी से पूछिए जो सराहनीय है सामो के लिए। लेकिन एक सीओ साहब आए हैं जिनके लिए सब असंतुष्टजनक है।